वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हुए शिखर धवन, उनकी जगह हो सकती है ऋषभ पंत की वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शिखर धवन की जगह ऋषभ पंत की वापसी होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अभी के अभी सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप में अपने तीसरे मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के अंगूठी में हेयरलाइन फ्रैक्चर की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं। ऐसे में भारतीय टीम को विश्व कप जैसे अहम टूर्नामेंट में प्रचंड फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की जगह भरना किसी भी ओपनर के लिए आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत में धवन के अंगूठे में चोट लग गई है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नेथन कुल्टर नाइल के बाउंसर पर धवन खेलना चाहते थे लेकिन वह अंगूठे पर आकर टकरा गई। दर्द में होने के बावजूद भी शिखर धवन खेले रहे और भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। धवन ने इस मुकाबले में बेहतरीन शतक जड़ा और भारत की जीत की बुनियाद रख दी। उन्होंने 109 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 117 रन बनाने के बाद शानदार पारी खेली। दोस्तों हालांकि बल्लेबाजी के बाद शिखर धवन चोट की वजह से फील्डिंग के लिए मैदान में नहीं उतरे थे। धवन की जगह रविंद्र जडेजा फील्डिंग के लिए आए थे। शिखर धवन के बाहर होने से टीम के सामने फिर एक बार नंबर 4 का संकट खड़ा हो सकता है। अब यह लगभग तय हो गया है कि शिखर धवन की जगह केएल राहुल ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल की जगह कौन भरेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अब तक बीसीसीआई ने टीम के कई किसी नई खिलाड़ियों को शामिल करने की कोई बयान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कयास यह भी लगाई जा रही है कि ऐसे में युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत को टीम में जगह मिल सकती है। आईपीएल में पंत का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने 16 मैच में 488 रन बनाए थे। इस कतार में ऋषभ पंत के अलावा अंबाती रायडू और श्रेयस अय्यर का भी नाम शामिल है। हालांकि टीम में पहले से ही दिनेश कार्तिक मौजूद हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने मैचों के नंबर 4 पर बल्लेबाजी की है। ऐसे में अगर कोई नया खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उन्हें खुद को कार्तिक से बेहतर साबित करना होगा। विश्व कप में इस हफ्ते में भारत को दो अहम मुकाबले खेलने वाले हैं, जिसमें से 13 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है और 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन मुकाबला खेलना है। ऐसे में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शिखर धवन का टीम से बाहर होना चिंता का विषय है और उनकी जगह ऋषभ पंत की वापसी होनी चाहिए, ऐसी सभी को उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं आपकी महत्वपूर्ण क्या राय है, क्या शिखर धवन की जगह ऋषभ पंत की वापसी होनी चाहिए, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।